नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। 2000 नोट का मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इससे पहले एक बेंच कह चुकी है कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करे। इसके पहले 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर एक याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जस्टिस सुधांशु धुलिया और KV विश्वनाथन की अवकाशकालीन बेंच ने कहा था कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसे तुरंत सुनना जरूरी हो। उस समय भी बेंच ने याचिकाकर्ता को गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई का अनुरोध करने को कहा था। उपाध्याय ने सबसे पहले बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रुपए की नोट बदली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ वो दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पहली बार उन्होंने सर्वोच्च अदालत में अपनी याचिका रखते हुए दलील दी थी कि रिजर्व बैंक का फैसला मनमाना है और हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी देकर गलत किया है। अब इस पूरे मामले पर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने 2000 नोट के एक्सचेंज के मामले को पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।